हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिजाइनर नेट वाला ब्लाउज बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखें। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और आगे और पीछे वाले पल्ले में हम पहले कटिंग करेंगे गले में डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें अत्तर वाला पल्ला लेना है, ठीक है। और ये हमारा आगे वाला पल्ला है। तो चौड़ाई में हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 6 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से गोलाई कर देना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेट है तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे, और यहाँ पर हमने जो कटिंग किया है तो इसको हमें फेंकना नहीं है, ठीक है। इसी से हम डिजाइन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे तो इसको हमें बिल्कुल एक बराबर अच्छे से रख लेना है। तो चौड़ाई में हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बॉक्स बना देना है और यहाँ से गोलाई करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है, इसमें भी हमें डिजाइन बनानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पेपर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, इसको तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 या 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे 2 इंच। तो इस तरह से हमें बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है, ये हमारा पीछे वाला पल्ला रहेगा, पीछे वाले पल्ले पर डिजाइन रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से पेपर को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमने इस पट्टी को लिया है, ये पट्टी हमारी आगे वाले पल्ले पर रहेगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर सेम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और इसको हम हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई 3 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है, ये हमारा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसी के बराबर हमें नेट की पट्टी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने नेट की 5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करी है, ठीक है, इसको यहाँ पर लगाने के लिए।
तो अब हम इसको सिलेंगे और ये डिजाइन हमारी पीछे की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी कटिंग करी है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर है 8 इंच से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से सिल लेना है यहाँ पर पलेटे डाल के, ठीक है। तो अब हम इसको सिलेंगे, तो इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी पट्टी है नेट की, तो इसको हमें इस तरह से रखना है और इसमें हम क्या करेंगे, छोटी छोटी पलेटे डालेंगे, बिल्कुल छोटी पलेटे हमें कुछ इस तरह से डाल लेनी है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर बची हुई नेट की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ऊपर की साइड सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा बी सेंटर पर निशान लगा है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बी सेंटर से हमें कटिंग करना है। पर क्या करेंगे, इसको उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है, यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई उधेड़ के। तो यहाँ पर मैंने देखी इस तरह से सिलाई लगा दी है, जो हमारा बी सेंटर पर निशान है उसके बीचों बीच हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, पलेटे डाल के छोटी छोटी। यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है, बची हुई नेट की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, ठीक है, सफाई के साथ। तो कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन को तैयार किया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को तैयार करेंगे। यहाँ पर हम अत्तर को लेंगे, अत्तर की सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें नेट वाले पल्ले को रखना है और फिर यहाँ पर हमें गले के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से भी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। और सीधी तरफ से हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हमने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में दाब सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारी जो डिजाइन है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे, जो हमारी ओपन साइट है उसको हमें बी सेंटर पर कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सिलाई को लगा लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लेस को सिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें लेस को रख लेना है और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है,
एक सिलाई हमें और लगा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, दो पलेटे से लेंगे। एक इंच चौड़ी हम यहाँ पर प्लेट को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पलेटे भी सिल ली है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे, ठीक है। तो पल्ले की जो सीधी साइड है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है और इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट को रखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है और नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद हमें पूरे में दाग सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से उल्टी साइड से हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे पहले। तो चौड़ाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर टच पॉइंट 10.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच का गैप लेंगे। तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक निशान बीच में लगाना है, ठीक है। तो 9 इंच पर लगा लेंगे बीच में निशान। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको सिल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने पलेटी सिली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बी सेंटर पर निशान लगाएंगे। पीछे वाले पल्ले की तरह हमने यहाँ पर भी कुछ इस तरह से इसको सिला है, तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर बी सेंटर पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को कुछ इस तरह से मिलाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें गुलाई में सिलाई लगानी है, जैसे हमने पीछे वाले पल्ले पर सिलाई लगाई थी तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसमें भी हमें कुछ इस तरह से लेस को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेस को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की पहले फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो कमर की चौड़ाई हमारी यहाँ पर 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे।